पिछले कई दिनों से बात चल रही है कि भारत में बहुत जल्द 5G सेवाओं को जारी कर दिया जाएगा, जहां रिलायंस जी और एयरटेल ने हिंट दिया है कि कब तक वो 5G को अपने यूजर्स के लिए जारी करेंगे। वहीं वोडाफोन आइडिया की तरफ से इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हम यहां आपको बताएंगे कि वोडाफोन आइडिया 5G सेवाओं को कब तक लॉन्च कर सकता है, किन शहरों में वोडाफोन आइडिया की 5G सेवाएं सबसे पहले आएंगी और इसकी कीमत कितनी हो सकती है। जहां एयरटेल का यह दावा है कि वो अगस्त 2022 में ही अपने यूजर्स के लिए 5G सेवाएं जारी कर देंगे, वहीं जियो ने भी यह हिंट किया है कि इस महीने या फिर सितंबर में वो 5G सर्विसेज रोल आउट कर देंगे। वोडाफोन आइडिया ने तो इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन एनालिस्टों का कहना है कि वोडाफोन आइडिया भारत में 5G सर्विसेज को अक्टूबर 2022 तक लेकर आ सकती है। अब जानते हैं कि जब भी वोडाफोन आइडिया 5G को जारी करेगा, सबसे पहले इसका फायदा कौन से शहर उठाएंगे। लॉन्च डेट की तरह इस बारे में भी कंपनी की तरफ से कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन वोडाफोन आइडिया सबसे पहले 5G सेवाओं को पुणे, गांधीनगर और बेंगलुरु में लेकर आ सकता है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने यहाँ 5G ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा सर्कल्स के लिए वोडाफोन आइडिया ने 5G स्पेक्ट्रम एक्वायर नहीं किया है, इसलिए इन जगहों पर वोडाफोन आइडिया की 5G सेवाएं देरी से या फिर नहीं लॉन्च हो सकती हैं। आपको बता दें कि 4G के मुकाबले वोडाफोन आइडिया के 5G प्लान्स काफी महंगे हो सकते हैं। टेलीकॉम न्यूज़ की रिपोर्ट।